आइए फिर से हम 16 बिट कॉमन बस आर्किटेक्चर की बात करते हैं। हमने पहले देखा कि हमारे पास एक मेमोरी यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है और 8 रजिस्टर्स हैं जिनको हम आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। कंट्रोल यूनिट इसके ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा और मेमोरी और रजिस्टर्स आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस अरेंजमेंट को समझते हैं। 16 बिट कॉमन बस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 16 बिट कॉमन बस जो सबसे कॉमनली कनेक्टेड है वो 16 बिट इसकी विड्थ है। ये विड्थ 16 बिट क्यों है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट साइज जो रजिस्टर का है वो 16 बिट ही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम 16 बिट इससे ट्रांसफर कर पाएंगे, इसलिए ये 16 बिट है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे कुछ रजिस्टर 16 बिट के हैं, दो रजिस्टर जो कि एड्रेस रजिस्टर हैं और हमारा प्रोग्राम काउंटर है, दोनों 12 बिट के हैं, और दो रजिस्टर जो कि इनपुट रजिस्टर है आउटपुट रजिस्टर है 8 बिट के हैं। तो अगर प्रोग्राम काउंटर को इस कॉमन बस से डेटा ट्रांसमिट करना है जो कि 16 बिट की है, तो यहाँ पे चूंकि यह 12 बिट ही है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 प्लेसेस पे यानी बिट नंबर 13, 14, 15 और 16 जीरो पैड हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर इस 16 बिट कॉमन बस से मुझे यहाँ पे इस 12 बिट रजिस्टर में कोई डेटा स्टोर करना है तो 16 बिट में से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0 से लेकर 11 तक वो ही लोड होंगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स डिस्कार्ड हो जाएंगी, राइट? और हम जानते हैं कि ये इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से इंटरेक्ट करते हैं जो कि ASCII कोड में डेटा को ट्रांसमिट करता है, और ASCII कोड 8 बिट का होता है इसलिए ये दोनों 8 बिट के हैं। अब हम देखते हैं ये ऑपरेट कैसे करता है। यहाँ पे आपको ये डिकोडर दिख रहा है, डिकोडर में 3 सिलेक्शन लाइन है, S0, S1 और S2। इन 3 सिलेक्शन लाइन की मदद से ये किसी एक रजिस्टर को या मेमोरी को चुन सकता है। इस प्रकार जैसे आप देख पा रहे हैं ये इनके कॉम्बिनेशन से ये यहाँ पे मेमोरी को या किसी एक रजिस्टर को चुन पाएगा, राइट? जैसे कि अगर डेटा रजिस्टर को चुनना है तो इसका यहाँ पे जो है ये डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे टेबल में इसके बाइनरी इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। तो आप डेटा रजिस्टर का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 011। तो यानी कि अगर मुझे डेटा रजिस्टर को सेलेक्ट करना है तो S0 की वैल्यू 1 होगी, S1 की वैल्यू 1 होगी और S2 की वैल्यू 0 होगी, तभी उस रजिस्टर के कंटेंट इस कॉमन बस में ट्रांसमिट होंगे। यानी कि जिस रजिस्टर को भी ये सिलेक्शन लाइन सेलेक्ट करेंगी उसके कंटेंट इस कॉमन बस में आ जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट? और आप देख पा रहे हैं कि मेमोरी यूनिट और सारे रजिस्टर सिवाय आउटपुट रजिस्टर के, इन सारे रजिस्टर के आउटपुट और मेमोरी का आउटपुट इस कॉमन बस से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार सारे रजिस्टर के इनपुट और मेमोरी का इनपुट इस कॉमन बस से जुड़ा हुआ है सिवाय इस एक्यूमुलेटर के और इस इनपुट रजिस्टर के, राइट? इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि कौन कौन किस किस रजिस्टर के इनपुट और आउटपुट इस 16 बिट कॉमन बस से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी रजिस्टर को डेटा ट्रांसमिट करना है दूसरे रजिस्टर में, एक हो गया सोर्स, एक हो गया डेस्टिनेशन। मान लीजिए ये डेटा रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर के कंटेंट को मुझे TR यानी टेम्पररी रजिस्टर में ट्रांसमिट करना है, तो इससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट बात, हर रजिस्टर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर सातों रजिस्टर में एक लोड लाइन लिखी हुई है। ये लोड कंट्रोल सिग्नल है, ये लोड इंक्रीमेंट और क्लियर, और ये S0, S1 और S2 ये सारे कंट्रोल लाइंस हैं जिसे कंट्रोल यूनिट संचालित करती है। ये जो भी वैल्यूज है कंट्रोल यूनिट जनरेट कर रहा है। तो ये लोड है, जिस भी रजिस्टर का लोड इनेबल होगा एट अ टाइम, एक ही का हो सकता है, इस 16 बिट कॉमन बस के कंटेंट उस रजिस्टर में लोड हो जाएंगे। इसी तरीके से ये इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो भी कंटेंट है वो इंक्रीमेंट हो जाएंगे बाय 1। ऐसे ही क्लियर
उस रजिस्टर की वैल्यू को क्लियर करने के लिए यूज होता है। आप सारे के सारे 7 रजिस्टर हैं, इनके इसमें लोड वैल्यूज हैं, 5 रजिस्टर में इंक्रीमेंट और क्लियर वैल्यूज हैं, राइट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर में ये वैल्यूज नहीं है। इसी प्रकार मेमोरी यूनिट में राइट और रीड सिग्नल्स हैं, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो एड्रेस रजिस्टर है ये जुड़ा हुआ है मेमोरी से। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेमोरी में आपको जिस लोकेशन पे आपका डेटा है उसका एड्रेस जनरेट करना पड़ता है, वो एड्रेस बताना पड़ता है, तभी उसके कंटेंट को आप ट्रांसमिट कर पाओगे, यानी डेटा को या ऑपरेंड को आप ट्रांसमिट कर पाओगे। इस बस में आपको एड्रेस बताना पड़ेगा उस मेमोरी का, तो वो एड्रेस कहाँ लोड होता है? एड्रेस रजिस्टर में। इस वजह से ये एड्रेस रजिस्टर मेमोरी से जुड़ा हुआ है, राइट। तो अगर हमें दो किसी रजिस्टर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, तो जो सोर्स रजिस्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन लाइंस, और डेस्टिनेशन रजिस्टर को सिलेक्ट करेगी ये लोड लाइन। जो भी डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसका लोड लाइन इनेबल होना चाहिए, और सिलेक्शन लाइंस इनपुट रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगी, राइट। अब आप देख रहे हैं इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर इस 16 बिट कॉमन बस से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनपुट रजिस्टर में जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से आती है। इसी प्रकार आउटपुट रजिस्टर का आउटपुट इस 16 बिट कॉमन बस से नहीं जुड़ा है, क्योंकि आउटपुट रजिस्टर ये जो वैल्यू है इसको आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले करता है, इसलिए वो यहाँ पे कॉमन 16 बिट कॉमन बस से नहीं जुड़ा है। अब आप देखिए यहाँ एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर का इनपुट भी आप यहां देख पा रहे हैं कि 16 बिट कॉमन बस से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके इनपुट पे एक तो जो एक्यूमुलेटर का पुराना फीडबैक है वो आ रहा है, दूसरा इनपुट रजिस्टर से वैल्यू आ रही है, और तीसरा जो डेटा रजिस्टर है उसकी वैल्यू यहां आ रही है, राइट। यानी और ये ALU है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मैनिपुलेशन कर सकता है इन सब पे, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इससे जोड़ सकता है, डेटा रजिस्टर से जोड़ सकता है, और उसकी वैल्यू वापस एक्यूमुलेटर में दोबारा लोड कर सकता है। और एक 1 बिट फ्लैग है E, अगर इस एडिशन करने में कोई कैरी जनरेट होता है तो ये बिट 1 हो जाती है, E इज़ इक्वल टू 1 व्हेन कैरी इज जनरेटेड। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो ये E की वैल्यू 0 रहती है। इसके अलावा कई बार हम कुछ माइक्रो ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि एक साथ दो माइक्रो ऑपरेशंस या दो रजिस्टर कॉन्करेंटली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक ही क्लॉक पल्स के एंड पे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, DR ये AC के कंटेंट डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर करना, और साथ ही में उसी क्लॉक पल्स में डेटा रजिस्टर के कंटेंट एक्यूमुलेटर में ट्रांसमिट करना। अब आप इस ऑपरेशन को जानने से पहले एक बार आप दोबारा इस 16 बिट कॉमन बस को देखिए। इसमें आप देख रहे हैं जो डेटा रजिस्टर का आउटपुट है ये 16 बिट कॉमन बस से जुड़ा है, साथ में इसका जो आउटपुट डायरेक्टली एक्यूमुलेटर से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो डेटा रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर में डेटा 16 बिट बस के थ्रू जो भेजे वो डायरेक्टली डेटा रजिस्टर एक्यूमुलेटर को इस एडर एंड लॉजिक सर्किट के थ्रू भेज सकता है विदाउट ट्रांसफरिंग दैट डेटा इन दिस 16 बिट कॉमन बस, राइट। तो ये जो दो ऑपरेशन है ये कॉन्करेंट भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए, पहली क्लॉक पल्स में एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आपने डेटा रजिस्टर में ट्रांसमिट करना है, तो ये कैसे होगा? इन सिलेक्शन लाइन S0, S1, S2 इस एक्यूमुलेटर को यानी सोर्स को सेलेक्ट करेंगे। सोर्स कब सेलेक्ट होगा? इसकी वैल्यू कितनी है? 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी में कितना है? 100। तो जैसे ही ये इसको सेलेक्ट करेगा तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट जो है यहां पे इस कॉमन बस में आ जाएंगे, और जैसे ही लोड सिग्नल इस डेटा रजिस्टर का इनेबल होगा ये कंटेंट डेटा रजिस्टर में लोड हो जाएंगे, और उसी क्लॉक पल्स में जो डेटा रजिस्टर के एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो इस पाथ के थ्रू एडर एंड लॉजिक सर्किट में जाके एक्यूमुलेटर में भी लोड हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो
इस तरह से हमने जाना कि कई माइक्रो ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कॉन्करेंटली यानी एक ही समय में दो ऑपरेशंस भी इस 16 बिट कॉमन बस में हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।